सो गुड मॉर्निंग एवरी वन। एंड आज आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा लोकेशन है, और ये लोकेशन मैंने आपको कल शाम को थोड़ा थोड़ा बताया था, लेकिन डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा। बट उसके पहले हम एक काम करते हैं, एक विलेज है जो इंडिया का लास्ट विलेज है, वहाँ पे जाना तो बनता ही है, तो लेट्स जस्ट गो देयर। एंड ये है हमारा टेंट जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, और आपको जो नज़ारा है वो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके का नज़ारा। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू वी आर गेटिंग हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे बॉनफायर होता है और आज हम बॉनफायर भी करेंगे। बहुत ही अच्छा दिखा, और ये है हमारा टेंट को, टेंट भी दिखा देते। सो ये है हमारा टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से आप टेंट को देख सकते हो, और हमारे सर जी भी रेडी है हमें इंडिया का लास्ट विलेज दिखाने के लिए। तो हम जाने वाले टूटुक जाएंगे, तो टूटुक विलेज पे जाएंगे। और जिनेश गौरव रेडी? तो ये जो टेंट है वो जिनेश और गौरव का है, सो वो लोग भी रेडी हो चुके हैं। आज थोड़ा लेजी सा डे है, बस व्यू बहुत ऑसम है, और ज़्यादा ऑसम व्यूज आने वाले हैं अभी। तो चलो ब्यूटीफुल डे की शुरुआत करते हैं, और आप लोग एंजॉय करो मॉर्निंग के ब्यूटीफुल ड्राइविंग शॉट्स, और फिर हम मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे थोइसे गांव के बाजू में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिस तरीके का जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे एक वैली है, जो वैली आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नुब्रा वैली का ही पास है, आपको मैं वैली दिखा रहा हूँ। ये जो है वो नुब्रा वैली का पास है, आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कितना प्यारा सा पानी जा रहा है, मस्त वाला, एकदम अच्छा नज़ारा जो है वो यहाँ पे अपने को दिख रहा है। जो पानी जो है वो जा रहा है, एकदम क्लियर पानी, मतलब यहाँ से पानी का जो है वो आप देख सकते हो।
गया जी, तुरतुक फंसने वाला आ गया जो जितना भी पहाड़ देख रहा है, ये के टू रेंज हो गया। ओके, और वो बर्फ वाला पहाड़ है उसके पीछे पाकिस्तान। हाँ जी। ओके, तो अभी फाइनली हम आ चुके हैं इंडिया के लास्ट विलेज में, और उसके बाद शुरू होता है पीओके। अभी हम आ चुके हैं तुरतुक विलेज में, और ये जो तुरतुक विलेज है वो इंडिया का लास्ट विलेज है। और आपको जो पानी का आवाज़ आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है, एकदम स्ट्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये ब्रिज जो है वो हमें क्रॉस करना है, और ये ब्रिज क्रॉस करके ये जो तुरतुक विलेज है वहाँ पर जाने का, देखने का कि किस तरीके का तुरतुक विलेज है, क्या है क्या नहीं, क्या जानने मिलता है। बाकी की आपकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये जो पहाड़ है वहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन आर्मी का जो दबदबा है वो पूरा यहाँ से रहता है, वहाँ पे तुरतुक विलेज है। थोड़ा घूमेंगे और फिर वापस आएंगे। कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ तुरतुक विलेज। तो दोस्तों, वेलकम टू द इंडियाज लास्ट विलेज विच इज़ तुरतुक। और ये तुरतुक की जो गलियाँ है वहाँ पे हम घूम रहे हैं, और जो मज़ा है वो हम ले रहे हैं। सो यस, बहुत ही मस्त है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउडफुल हो रहा है, क्योंकि 1971 में हमने इसको जीता था। तो वेरी गुड, वेरी नाइस फीलिंग। सो दोस्तों, बात करते हैं तुरतुक की। तुरतुक, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का लास्ट विलेज है जो इंडियन सोल्जर्स ने 1971 में पाकिस्तान से जीता था। और ये जो विलेज है वो अपने आप में बहुत ही खास है। 100% इस्लाम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदुइज़्म का जो सिंबल है, जो मोनेस्ट्री है, वो टॉप पे आपको दिखाई जाती है। ये तुरतुक जो विलेज है, वो विलेज के अंदर सिर्फ 3,000 लोग और 4 घंटे बिजली आती है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप में ख़ास है, बिकॉज जब वॉर हो रहा था, जब 1971 में जब वॉर हो रहा था, तब तुरतुक विलेज के जो लोग हैं उन सभी लोगों ने, जो इंडियन आर्मी है, जो उनको बहुत सपोर्ट किया था। दैट इज़ द प्राउड ऑफ इंडिया। तो यही चीज़ है, यही स्टोरी है तुरतुक की। देखो गाइज, यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ले से लेके तुरतुक की अगर मैं बात करूँ तो 205 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और गाइज, द रोड्स आर समटाइम्स गुड बट समटाइम्स वेरी वेरी बैड, क्योंकि क्या है कि कुछ कुछ जगह पर तो मतलब लाइक रोड्स का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, लेकिन यू नो प्राउड वाली बात है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस तरीके से पूरा मेहनत करके उस रोड्स का अभी जो काम है वो कर रही है, जो आपने बीच में देखा भी होगा, हमें बीच में 2-3 बार गाड़ी भी रोकनी पड़ी थी वो जो काम चल रहा था उसकी वजह से, लेकिन जिस तरीके का पूरा जो बनाया हुआ है, दैट इज़ समथिंग लाइक अमेजिंग जॉब डन बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी तुरतुक विलेज के अंदर आने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा कुछ खास कुछ दिखने वाला नहीं है, या तो का कोई ख़ास चीज़ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये एक लास्ट विलेज पे आना और आके उस विलेज में जाना, दैट गिव यू द काइंड ऑफ यू नो लाइक एक दिल में एक चिंगारी देगी, दिल में एक प्राउड वाली फीलिंग देगी कि यस, ये हमारा विलेज है जिसको हमने मतलब विन किया था। और बस वो चीज़ आपको खुशी देगी, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे आके कुछ खरीदी जो है वो आप कर सकोगे, क्योंकि यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने ख़ास तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। और एप्रिकॉट जो है वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, हमने भी रेट पूछा था, बहुत 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 सस्ता और बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो आप उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो यहाँ के विलेजर्स को। और आज भी यहाँ के विलेजर्स के जो रिलेटिव्स है, वो कुछ रिलेटिव्स पीओके में बाल्टिस्तान में रहते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी ऑफ द तुरतुक। और मैं तो बोलता हूँ, अगर आपके पास टाइम है और आप एडवेंचर आना चाहते हो, क्योंकि जो रोड से वो भी बहुत अच्छे, तो आप अगर एडवेंचर पे आना चाहते हो तो आप ज़रूर से तुरतुक आए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये इसी टाइप के जो वीडियोज़